निकलते ही शुरू हो गया। अरे अंदर जाते बंद भी तो कर देता हूँ यार। हरिओम, तू ऐसा कर, तू भी दो घूंट लगा ले, तेरी लाइफ में भी कलर आ जाएगा। हाँ, मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही अच्छी है। और अब सनसनी में देखिए दिन दहाड़े किस तरह शातिर चोर ले उड़े 100 करोड़ की गीतांजलि हीरे, कैमरे, गार्ड, लेजर और जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद सनसनीखेज वारदात, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। चौकसी परिवार के 100 करोड़ के गीतांजलि हीरे इस समय कहाँ हैं? ये 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? इसे कहते हैं धंधा, साला फुल एंड फाइनल 100 करोड़। नो, क्या जीरो 100 करोड़ में? ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, ये साला बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर करते करते दारू का स्वाद भूल जाता हूँ। अबे तू दारू और कन्या के बारे में सोचना बंद करेगा तभी तो दिमाग को कुछ नया सूझेगा। ये ढाबे पे बैठ के 5 स्टार के ख्वाब नहीं देखते। अरे इरादों में तो कंगाली न रखे राणा साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इशारा हो और 100 गाड़ियां खड़ी हो सामने। अरे क्या, कोई रोकता ही नहीं है, इससे ज्यादा अच्छे तो हम जेल में थे यार। अंदर रख, मैं भी कहूं कि गाड़ी रुक क्यों नहीं रही। साला दारू का चलता फिरता पोस्टर। ओए ओए वो देख, एक लड़की आ रही है। अरे तू हट, तू हट, ये मेरा डिपार्टमेंट है, हट। हेलो, ओए तू बोतल अंदर रख। ना है टकन मक्खन, आजा। पीछे हट, कमाल हो गया भाई, लाठी लग गई। हेलो, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ओए ये बहुत नटखट है जी। वेलकम बैक जी। लगता हमें इतनी देर से लिफ्ट इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि हमें आपका इंतजार था, आई मीन आपकी गाड़ी का इंतजार था। रियली? यस यस यस, आप तो किसी के भी घर को स्वर्ग बना सकती हैं। घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। क्या जी? मेरा मतलब आप हमें कुछ दूर तक लिफ्ट दे सकती हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहाँ तक जाएंगे आप? जहाँ तक आप ले जाएंगी। लेट्स गो। चलिए बैठिए। चलिए बैठिए, बैठिए, बैठिए। यहाँ कहाँ बैठ रहा है? पीछे बैठ, पिटवाएगा क्या? मैं पीछे बैठू? ठीक है, तू आगे गाड़ी चला, मैं ब्यूटीफुल के साथ पीछे बैठता हूँ। क्या बोल रहा है तू? अरे ड्राइवर तू लगता है, वो लगती है, जब तू पीछे बैठ। और फिर ये हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, खूबसूरत लड़की है। खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये राजा तुमसे बेटर जानता है। ओके सीधा कम ऑन, शाबाश शाबाश शाबाश, बैठो बैठो बैठो। हां आप लोग देखिए, मुझे लगा कि मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है। क्या नाम बताया आपने? मैंने अब तक नाम नहीं बताया। ओ माय गॉड, वैसे अगर आप अपना नाम बताती तो क्या बताती? मोना। मोना, ओ मोना, कितना अनयूजुअल और मीठा नाम है मोना, मैंने आज तक नहीं सुना। आप लेंगी? जी नहीं, मैं ड्राइव करते वक्त नहीं पीती। मैं भी नहीं पीता, ये तो आप ड्राइव कर रही थी इसलिए थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हो गया था। आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं? अरे आप कहाँ जा रही हैं मैम साहब? कहाँ जा रही है मतलब? मैडम की गाड़ी है, जहाँ मर्जी ले जाए, आप चलाइए जी चलाइए। तुम आ गए। हम यहाँ रुक क्यों गए? यहाँ से पैदल जाना है। मेरे पति यही फार्म हाउस में रहते हैं। I want to pick him up. पति? Good. Married women are safe. जा, जाके तू भी मिल ले उनके हस्बैंड से। अब क्या कूक रहा है? अबे, ओए मजनू और देवदास की औलाद, वो गई? क्या गई है? हंसके वाली चाल। अबे जो चली गई है उसे छोड़, जो छोड़ गई है उसे चला। मतलब ये? ओहो चाबी गाड़ी, वाह। अरे वैसे एक बात बताऊं, मेरे टाइप की वो थी भी नहीं। हाँ इतनी देर से जान ही तो छुड़ा रहा था ना तू। चलो ड्राइवर, बॉम्बे चलते हैं। जी।
मिल सकता। लेफ्ट में रख गाड़ी, तो ऑर्डर मिल रहा। अरे बाजा भी है जी। ये रेडियो का स्विच है कि सायरन का? सायरन की माँ का। पीछे देख, ससुराल वाले आ रहे हैं। तो क्या करें? गाड़ी तो अभी अभी चुराई है, इतनी जल्दी पुलिस पहुंच गई। ये पुलिस बहुत फुर्तीली हो गई है, हमें रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं जी नहीं, इसी को तो कहते हैं ना, बाल मुंडाते ही ओले गिरे। ज्यादा मत बोलना और हेलो कहना। हेलो 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 जी। गाड़ी आपकी आई है? ये गाड़ी तो मेरी माँ की है, लेकिन इसकी इंस्टॉलमेंट मेरी नानी भरती है। व्हाट? राणा साहब। सर, इनका मतलब ये है कि ये फैमिली कार है। फैमिली कार? लेकिन हुआ क्या सर, हम तो गाड़ी स्पीड से नहीं चला रहे थे और पी भी नहीं रहे थे, मुझे तो दारू के नाम से ही नफरत है। नंबर प्लेट भी फर्क है। एक्चुअली जेंटलमैन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसी मॉडल की एक गाड़ी एक लड़की हाईवे से लेकर जा रही है। उस गाड़ी में स्मगलिंग का माल है। हाँ, लड़की तो थी ना गाड़ी में, क्यों राणा साहब? क्या इसका मतलब है सर? कि ऐसी ही गाड़ी में वही वही उस लड़की ने इतनी तेजी से ओवरटेक किया कि हमें लगा हम खड़ी गाड़ी में बैठे हैं। उस तरफ गई है सर। ठीक है, चलो जी, जल्दी चलो। जी साहब। अरे राणा साहब, लड़की को पकड़वाते तो माल बरामद होता, माल बरामद होता तो इन्फॉर्मर वाला इनाम तो मिलता कम से कम। ओए टकन, ये देख, ये देख, ये क्या है? वे? हाँ? नकली नंबर प्लेट। ये कार भी वही है, वो लड़की भी वही है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। तो मैं क्या फारसी में बात कर रहा था? मैं भी तो यही कह रहा था, चलो पुलिस को बुलाते हैं। अरे जब अकल बंट रही थी तब तुम क्या दारू के ठेके पे बैठे थे? राणा साहब, राणा साहब क्या है यार, पुलिस को क्या बताएगा कि गाड़ी हमने चुराई है, माल गाड़ी के अंदर है। तो माल गाड़ी के अंदर है तो ओ ओ अरे यार, ओए तू भी टक्कर, मैं भी टक्कर, रो गाड़ी इधर। कोई नहीं है यहाँ, चल भी चल खोल। आओ जी आओ। बड़ी गर्मी आ रही है डिक्की से जी महाराज। लगता है बहुत ज्यादा माल है, क्या होगा इसमें आपको लगता है? देखो जी, इसमें हीरे जवाहरात फॉरेन करेंसी कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, मतलब आपकी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है, मतलब इसके बाद हमारा फुल फाइनल हो जाएगा और फिर हम दोनों रिटायर्ड। जो होगा आधा आधा बांट लेंगे और उसके बाद शहर छोड़ देंगे। ठीक है, आप पंजाब चले जाना खेती बाड़ी करने, लेकिन मैं बैंकॉक जाऊंगा जी, मसाज पार्लर खोलूंगा, 15-20 लड़कियों को रखूंगा, लेकिन मसाज मैं करूंगा जी। ओए सॉरी, चेक चिल्ली के जमाई, ओए दाल बाद में चखना, पहले पतीली का ढक्कन तो खोल। ठीक है, ये कौन लेटा हुआ इधर? ओए उठो जी। ओए राणा साहब, ये उस ठसके वाली का हस्बैंड है, छुप के लेटा हुआ डिक्की में। ओ भाई साहब, भाई साहब वो गई, उठो। उठो जी, उठो जी भाई साहब। ओए तो बाल निकला इसकी? ओ ये बाल नहीं, बिक गए। हाँ तले टकले बिक क्यों पहनते? क्योंकि उनके बाल नहीं होते यार। बाल नहीं होते? ले जी चाबी है, ये विक चाबी से लगाते हैं। ओ चाबी ये उसके घर की होगी। मतलब वो ठसके वाली बेचारी घर के बाहर वेट कर रही होगी? तो जा तू भाग के दे के आ उसको चाबी। ओके ओके, वेरी गुड। भाई साहब ये आपकी बीवी के साथ शैतानी। ओए क्या हुआ, माल मिला? ओए माल को मार गोली, बंदा निकल गया, बॉडी छोड़ गया, ये तो लाश है। ये मुर्दों की स्मगलिंग के लिए भी पैसे मिलते हैं? मिलता होगा, बड़ा आया, बोल रहा था आधा आधा बांट लेंगे, अब क्या बांटेंगे, घंटा? राजा ये गंजे की हालत तो देख, इतनी धुलाई हुई है कि कपड़े साफ नहीं हुए, लेकिन फट जरूर गए हैं। ये चाबी अपनी खोपड़ी से चिपका के घूम रहा था, इसका मतलब चाबी के ताले के पीछे बहुत माल है। इतना माल के मर्द को मुर्दा होने में टाइम नहीं लगा। जहां जान की कोई कीमत नहीं होती ना भैया, वहां माल बहुत कीमती होता है। बंद कर। ब्रिलियंट, बढ़िया कारीगरी।
पार्टी डिस्ट्रेस में है, इसलिए तो 2 करोड़ में बेच रहे हैं। वरना वरना क्या आपको इसमें कमीशन मिल रहा है कि हिस्सा? जी, कलर कट, क्लैरिटी और कैरेट, ये 4 डिसाइड करते हैं हीरे की कीमत। और इंसानों की तरह हर हीरे की फितरत अलग होती है। यानी क्रायोजेनिक प्लास्टिक से बने हुए हैं। व्हाट? 1500 से ज्यादा कीमत नहीं है एक की। क्या कह रहे हैं आप? परफेक्टली फेक। ये देखिए, हीरो में जुड़वा नहीं हुआ करते, ये तो 4 है। सुल्तान, वो सर, आज के बाद इस मार्केट या इस शहर में तुमसे कोई डील नहीं करेगा। गुड बाय सुल्तान। थैंक यू, दिस इज फॉर यू। क्या पुरी साहब, 2 करोड़ बचाने का 50,000 रुपये? हुनर की कीमत धीरे धीरे बढ़ती है। नो वरी, योर टाइम विल कम। Keep the change. Thank you. आपके लिए टैक्सी लाऊं सर? रहने दो सरदार जी, आज सफर करने का नहीं, सवारी करने का मूड है। दिल्ली वाले कुतुब मीनार और मुंबई वाले विक्टोरिया पे कभी चढ़ के नहीं देखे। चीज अपनी है ना, टूरिस्ट देखेंगे हैं? क्या बात है। अरे तुम बहुत किस्मत वाले हो जो विक्टोरिया पे ऐश करने के पैसे मिलते हैं तुम्हें, समझ रहे हो हैं? अरे रुको रुको रुको, अरे रोक ना यार। पुलिस वालों से क्यों पंगा लेना है ना? ए भाई, 50 रुपए और ले लेना, हाना तो बोल दे। ओ बहरे हो क्या? बहरे हो तो फिर ये मेरा कैब दीजिए। आदमी के भेस में विक्टोरिया चलाना कोई बड़ी मजबूरी है क्या? पुलिस वालों को देखकर गाड़ी रुकाना कोई बहुत बड़ी मजबूरी है क्या? ओ, हाजिर जवाब। इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है आपकी। एक एक कप कॉफी पे सुने? आपका राउंड खत्म हो गया है। गुड बाय माय कैब। मैं तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। अकेली लड़की को देखकर दर्जनों के हिसाब से बढ़ते हैं ऐसे हाथ। अब आप उतरते हैं या ले चलूं पुलिस के पास? चलो आज न सही, लेकिन आपके ऊपर 1 कप कॉफी उधार रहे। चल चल। अरे ओ विक्टोरिया 203, अरे भाड़ा तो लेती जाओ।